हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। शुक्रवार को हुई बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है, इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो आपके हित के लिए है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। हालांकि सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड के साथ साथ क्रेन और कंटेनर से सड़क को सील कर दिया है। लगातार दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली से बाहर परेड निकालने के लिए मना रही है। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों का कहना है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर गांव से ट्रैक्टर और जेसीबी भी आनी शुरू हो गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने कहा कि संयुक्त मोर्चा की बैठक में सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। छब्बीस जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि गोहाना से 20,000 ट्रैक्टर 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड में जाएंगे। पलवल के ओटाहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 91 दिन भी जारी रहा। साथ ही हर रोज चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी एक महीने का समय पूरा हो गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद जताई है। संजय भाटिया ने कहा कि किसान श्रेष्ठ हैं, अच्छा बुरे की पहचान रखता है, इसलिए आंदोलन के जल्द खत्म होने की पूरी उम्मीद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को हांसी के रामायण टोल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टोल पर धरना दे रहे किसानों से बातचीत की और कहा कि वो किसानों को समर्थन देने आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश का किसान परेशान है। भाउदीन टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की तरह सरकार का मन भी काला है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार के मन में चोर है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बातचीत के बहाने किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। वहीं तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, तीनों काले कानून रद्द हों। फतेहाबाद में भी किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना जारी है। किसानों के धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शिरकत की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली का समर्थन किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर मार्च निकालना किसानों का अधिकार है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार के खुद के विधायक सरकार के खिलाफ हैं, ऐसे में ये सरकार कैसे चल पाए। तो शाम से कांग्रेस विधायक रण चौधरी ने गांव थिलोड़ और खरकड़ी
मखवान में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे धरने का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा घमंड हो रहा है, मंत्रियों के घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि धरातल पर क्या हो रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान पिछले दो महीने से काले कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। साथ ही स्पष्ट कहा कि सरकार जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो किसानों के साथ खड़ी है। टिकरी बॉर्डर पर देर रात एक और किसान की मौत हो गई। आंदोलन में शामिल किसान कैथल जिले का रहने वाला था। देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद किसान की मौत हो गई। बता दें कि अब तक टिकरी बॉर्डर पर 25 किसानों की मौत हो चुकी है। अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर एक रिक्शा चालक पूरे देश का भ्रमण करके किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचा। यह रिक्शा चालक दूसरी पास है, लेकिन इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि इसने अभी तक 3 किताबें लिख दी है। यह रिक्शा चालक शहीदों का पूरा इतिहास जानता है। किसान मूवमेंट के बारे में लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए रिक्शा चालक ने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन में शामिल हुआ। शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर पहुंचे रिक्शा चालक और लेखक विजय शर्मा का किसानों ने जोरदार स्वागत किया, साथ ही उनके इस हौसले को भी सलाम किया। कैथल के जिला सचिवालय में शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और सचिवालय में रोष मार्च निकाला। दरअसल महिलाओं ने किसानों के समर्थन और अपनी लंबित मांगों को लेकर पीएम के नाम सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ग्रेड के नेताओं ने बताया कि पूरे भारत में फेडरेशन के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही हैं और वो किसानों की मांगों का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले, साथ ही उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा करे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 133 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 39 और फरीदाबाद में 15 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पंचकुला में 20 और यमुनानगर में 9 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 3,000 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 266,819 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 185 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जुलाना सीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। एसएमओ नरेश वर्मा ने पहला वैक्सीन लगवाया, वहीं दूसरा टीका डॉक्टरों ने लगवाकर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि जिले में वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू है, वहीं अब सीएचसी में भी इसकी शुरुआत की गई है। फ्रंटलाइन पर काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें स्टाफ नर्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और सफाई कर्मचारी भी शामिल है। वहीं जिन व्यक्तियों को पहले दौर में वैक्सीन लगाई जानी है उनको पहले ही मोबाइल पर मैसेज भेजकर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अजीत सिंह एएसपी सफीदे को एसपी बनाकर भिवानी भेजा गया है, वहीं वरुण सिंगला को एएसपी तोशाम से डीसीपी बनाकर मनेसर भेजा गया है। कैथल के गांव हरसौला में नाथूराम सेठ की पुरानी हवेली से चांदी के सिक्के निकले हैं। जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिली तो सभी पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़े। पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्कों ने खुदाई करने वालों के साथ साथ ग्रामीणों को भी मालामाल बना दिया है। जिसे जो भी मिला वो अपने साथ समेट कर रफू चक्कर हो गया। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खजाना खाली हो चुका था। एक ग्रामीण ने बताया कि गांव में नाथूराम सेठ की पुरानी हवेली को हाल ही में
पाल नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया था। जब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान बनाने के लिए खुदाई की गई तो उस समय ये सिक्के बरामद किए गए। रेवाड़ी का डबल फाटक रेलवे अंडरपास का काम पिछले दो सालों से अधर में लटका हुआ है। करीब दो साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राविंदर जीत ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फाटक के उस पार शमशान होने के कारण शवयात्रा को भी 4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। निर्माणाधीन अंडरपास स्थित सैकड़ों दुकानदारों की माने तो अंडरपास के बनने में देरी के कारण उनका धंधा जो है वो चौपट हो गया है। गहरे खड्डे के कारण लोग चोटिल हो जाते हैं। गुहाना शहर में आवारा पशुओं का अड्डा बन चुका है और शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पर आवारा पशु न बैठे नजर आते हों। बार बार पशुओं के पकड़ने के बाद भी शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गुहाना की सब्जी मंडी में आवारा पशुओं के कारण लोग काफी परेशान हैं। गुहाना की सब्जी मंडी किस तरह एनजीटी के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है, साथ ही आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय में शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पानीपत के पसीना गांव से 10 से 12 युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भांजे पर बर्फ तोड़ने वाले सुए और लाठी डंडों से हमला कर 2 लाख रुपए लूट लिए। आपको बता दें कि समालखा उपमंडल के गांव छठीपुर के प्रेमराज ने पुलिस को शिकायत दी है कि 14 जनवरी को रविंदर ठेकेदार और 2 युवक उसके कार्यालय में आए और उनमें पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने समझौता कराकर उन्हें वापस भेज दिया। जगाधरी के बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर ईंट से हमला किया, जिसके बाद घायल मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में बुढ़िया गेट पुलिस चौकी इंचार्ज राजपाल ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के मौसा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खाना खाने के दौरान ही खाने की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी में गुरुवार रात एक कपड़ा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी से करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सोना के कस्तवाड़ वार्ड नंबर 14 में लूटपाट के इरादे से घर में घुसे अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बता दें कि बुजुर्ग महिला के पति की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं महिला का बेटा और बेटी दोनों ही दूसरे देश में रहते हैं। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। दरअसल वारदात के दौरान बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। सीआईए सिरसा पुलिस ने गाड़ियों की फर्जी आरसी बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो कि रोहतक का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से 17 गाड़ियां बरामद की हैं। इनमें बहुत सी गाड़ियां बिल्कुल नई हैं। पुलिस का दावा है कि अभी जांच में सैकड़ों गाड़ियां बरामद की जाएंगी, जिनकी फर्जी आरसी बनाई गई है। ग्राम पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर दर्जनों लूट और डकैती की वारदातें दर्ज हैं। बदमाशों ने ओल्ड डीएलएफ इलाके के बीते 2 से 3 सालों में 3 से 4 गन प्वाइंट पर लूट वारदात को अंजाम दिया। क्राइम यूनिट ने वारदात में शामिल 4 डकैतों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पलवल पुलिस ने हत्या के प्रयास में गोली चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने चाचा
पर गोली चलाई थी, जिसको पुलिस ने रिमांड पर लेकर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया। पलवल पुलिस ने मजदूर की बेटी का रेस्क्यू कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने उक्त मामले में नाबालिग के बयान के बाद अदालत के आदेश पर अपहरण के साथ गैंगरेप और पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बादली के गुड़गांव चौक पर नाले में एक शख्स के शव मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल पिछले 12 दिनों से युवक लापता था। परिजनों का कहना है कि युवक के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में ही दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को युवक का शव एक नाले में मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और गुड़गांव चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान बादली के विधायक कुलदीप वत्स भी पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि वो 4 दिनों से पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया। अम्बाला में टांगी नदी के बांध के पास निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों मजदूर काम कर रहे थे। घायल मजदूर का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ काम कर रहा था, तभी मकान का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। तीनों मजदूरों को अम्बाला छावनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।